स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। रणवीर कपूर की अगली फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज हो चुका है। इसे पब्लिक ने काफी पसंद किया है और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। एक रिपोर्ट की माने तो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के ग्रैंड विजन को पूरा करने और पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के चलते इस फिल्म की कास्ट बढ़ गई है। ऐसे में रणवीर कपूर ने फिल्म के प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए अपनी एक्टिंग फीस घटा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो आमतौर पर रणवीर प्रति फिल्म 70 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, पर एनिमल के लिए उन्होंने 30 से 35 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को सपोर्ट करने के लिए रणवीर ने अपनी फीस में 50% की कटौती की है। माना जा रहा है कि एक्टर ने जो फीस घटाई है उस पैसे का इस्तेमाल फिल्म का स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए किया गया है। चर्चा है कि रणवीर फिल्म में प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं। हाल ही में रिलीज हुए एनिमल के टीजर को बहुत पसंद किया जा रहा है। 28 सितंबर को अपने जन्मदिन पर रिलीज हुए इस टीजर में रणवीर नेवर सीन बिफोर अवतार में नजर आ रहे हैं। इस गैंगस्टर ड्रामा फिल्म की कहानी बाप और बेटे के रिश्ते के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। टीजर में बॉबी देओल भी बड़े खतरनाक अंदाज में दिख रहे हैं। एनिमल 1 दिसंबर को थिएटर्स में 5 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर के अलावा अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना जैसे कलाकार नजर आएंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के।